हाँ, स्वागत है आप सभी का HAL टिर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। जी हाँ, आइए इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हैं उसको आइए ट्रिक से याद करें। जी हाँ, देखिए पहला ट्रिक क्या है। पहला ट्रिक है, सिकंदर ने पोरस को हाई स्पीड से हराया। कितने स्पीड से हराया? 326 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हराया। ये है ट्रिक, ये है तरीका। सिकंदर ने पोरस को हाई स्पीड से हराया। बस अगर इतना ये लाइन आपको याद हो गया तो सिकंदर से हो जाएगा सिकंदर जीत गया था, पोरस हो जाएगा पोरस से समझना पंजाब के राजा पोरस की हार हुई इस युद्ध में, हाई स्पीड से हो जाएगा हाइडे स्पीड का युद्ध। अब इस लाइन को ऐसे समझना है, हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में पंजाब के राजा पोरस की हार हुई और इस युद्ध में सिकंदर जीत गया था। तो सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। जी हाँ, सिकंदर की सेना ने व्यास यानी बिपाशा नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा। इसे हाइडे स्पीस का युद्ध भी कहते हैं। मई 326 ईसा पूर्व में यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई। सिकंदर महान की सेना हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करती हुई भारत पहुंच गई। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हाइडे स्पीच से संबंधित। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर सेकेंड की। जी हाँ, सेकेंड ट्रिक देखिए क्या है। चिलियान में सिखों की हार हुई। अगर ये ट्रिक याद हो गया तो यहां से मिलेगा आपको चिलियान वाला युद्ध। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? सिखों की हार हुई थी। किस वर्ष हुआ था? 1849 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1849 में चिलियान वाला युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर या ट्रिक नंबर थर्ड देखिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार ट्रिक। हुमायूं ने लोदी को दो राहे पर खड़ा किया। तो हुमायूं ने लोदी को कहां पर खड़ा किया? दो राहे पर खड़ा किया। अगर ये याद हो गया तो यहां से मिलेगा दो राहे से दोराह का युद्ध। लोदी से समझना है महमूद लोदी और हुमायूं से समझना है हुमायूं, यानी दोराह का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ। हुमायूं जीत गया था, महमूद लोदी हार गया था। कब? 1532 ईस्वी में। जी हाँ, दो राहिया युद्ध महमूद लोदी की अफगान सेना और हुमायूं की सेना के बीच 1532 ईस्वी में हुआ। इसमें जीत हुमायूं की हुई। तो हुमायूं ने लोदी को दो राहे पर खड़ा किया। अगर ये लाइन याद हो गया तो मिलेगा आपका दोराह का युद्ध, जिसमें हुमायूं जीता और महमूद लोदी हारा सन 1532 ईस्वी में। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर फोर्थ की। साहू ने ताराबाई को पेड़ पर लटकाया। अगर ये लाइन याद हो गया तो यहां से मिलेगा साहू से समझना है साहू, ताराबाई से ताराबाई, पेड़ से समझना है खेड़ा का युद्ध, पेड़ खेड़ा का युद्ध, यहां से ये समझना है। यानी खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें साहू जीता था और ताराबाई की हार हुई थी। कब? 1707 ईस्वी में। जी हाँ, खेड़ा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक थे। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी के पौत्र साहू और ताराबाई की सेना के मध्य अक्टूबर 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये था शानदार ट्रिक। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।